इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड वर्ड कब आता है? हमने कहा इंड्यूस करंट, भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से करंट पैदा हो गया, इंड्यूस करंट। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से ईएमएफ पैदा हो गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई क्यों पैदा होता है? क्योंकि एक रिंग ले लो, वो कह रहे हैं एक रिंग ले लो, एक रिंग में मैग्नेटिक फील्ड को बोर्ड के अंदर इंक्रीज कर दो। जब आप एक रिंग में मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर इंक्रीज करोगे, बी इंक्रीज या डिक्रीज करना जरूरी है, तो रिंग नहीं चाहेगी। रिंग क्या करेगी? रिंग अपना भी बाहर कर लेगी और इंड्यूस करंट कैसे पैदा करेगी? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो कह रहे अगर जहां करंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही मेंशन करनी है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे कोई पॉइंट लेंगे इसके अंदर और ड्रॉ अ टेंजेंट टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, यहां लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो इसमें अगर इंड्यूस करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही होगा, ये रूल नंबर वन है। तो इसके अंदर एक रिंग जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आपने बोर्ड के अंदर इंक्रीज किया, और इसमें जब आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, जिसका नाम है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट नंबर वन, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंड्यूस करंट की तरह ही निकलती है। पॉइंट नंबर टू, अगर इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज है, रहेगा वेक्टर फॉर्म में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं है। कहीं आप मन में सोचोगे अब इलेक्ट्रोस्टैट करना पड़ेगा, नहीं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रूल ही कुछ और हैं। है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पर इसकी कोई प्रॉपर्टी मिलती नहीं है इलेक्ट्रोस्टैट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये नई प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो पॉइंट नंबर वन, इसमें आपने एक लूप लिया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। पहली प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, जबकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव था। कंजर्वेटिव का मतलब, अगर आप एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आओ तो वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं था। वर्क डन जो हम कैरी करते थे एक चार्ज को दूसरे पॉइंट पर लाने में, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता था। लेकिन ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, इसमें मैटर करेगा कि आपने रास्ता क्या चुना। जितना बड़ा रास्ता चुनोगे उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसी से पता लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटायरली डिफरेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, ये नॉन कंजर्वेटिव है। दूसरी, ये फॉर्मूला का तो आप कोई भी अगर न्यूमेरिकल आएगा, बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला बस। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? देखो, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो डी फाई बाई डी टी, फैराडेज लॉ क्या कहता है, ईएमएफ जनरेट होगी माइनस डी फाई बाई डी टी। डी फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज। तो ये फॉर्मूला क्लियर है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगी। यहां छोटा ई का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब पैदा होगी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये रिलेशन याद करना है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, जैसे बी डॉट डी एल होता था ऐसे ई डॉट डी एल। तो अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल करोगे वेयर ई इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आज की डेट में आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका फैराडेज लॉ माइनस डी फाई बाई डी टी, दूसरा तरीका इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। तो क्या ये फॉर्मूला याद हो गया? इसको बॉक्स में डाल के इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है? यही फॉर्मूला काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड इज टेंजेंट टू एवरी पॉइंट टेकन। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो इस क्लोज पाथ में, मीन्स इसमें जैसे हम निकाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, कह रहे हैं वो सेम रहेगा और हमेशा टेंजेंशियल रहेगा किसी भी पॉइंट के। ये भी हमने कर लिया। बीइंग नॉन कंजर्वेटिव, पोटेंशियल हैज नो मीनिंग इन सच अ फील्ड, कि हमने जो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड किया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में वो कंजर्वेटिव था। वहां पर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट लगते थे, पोटेंशियल डिफरेंस लगता था, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज लगता था। क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव है तो यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता, तो इलेक्ट्रोस्टैट बीच में आने वाला नहीं है, पक्की बात है। नेक्स्ट है, दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टैटिक चार्जेस, ये डिफरेंट है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये मैंने आपको बता दिया।